নাওয়াজ মেহমুদের মতো Hey guys, it's Vanshika Nanta. Hello, I'm Divyanshi and welcome back to our channel. तो आज हम जिस वीडियो पे रेड करने जा रहे हैं वो है इमरान खान जलसा वीडियो. लाइक हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि जो इमरान खान है उन्होंने स्पीच दी थी और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या क्या बोला. उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की कंडीशन बताई कि लाइक जो पाकिस्तान वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है अभी. लेकिन हम लोगों ने देखा और मेरे को सुनने में आया कि जो लोग उन्होंने भी उनको ना उनके लिए चीज़ें प्रेजेंट करी है और तो वही हम इस वीडियो में देखे गए जिन्होंने क्या क्या चीज़ें लोगों ने इमरान खान के लिए की है. तो सीरियसली जब हम लोगों का देखती हूँ इमरान खान के लिए तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है. जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि वो बता रहे थे कि पहले के मुकाबले महंगाई कितनी बढ़ गई है. पहले तो इंडिया से दुगुना महंगाई थी वहाँ पे, अब तो तीन गुना से भी ज्यादा हो गई है. तो काफी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं वहाँ के. तो वहाँ की जनता भी ये बात समझ रही है कहीं ना कहीं, तभी उनको इतना सपोर्ट कर रही है, उनसे होप लगा रही है, उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इतने बद से बदतर हालत है वो सुधार लाए कुछ. तो देखते हैं आगे क्या होता है इस वीडियो में. एक छोटा सा बच्चा है ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ कहना चाह रहा है. जी जनाब. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम इशारिफ शकील. आप सबने कहना है पीडीआई एक चढ़ता सूरज माशाल्लाह भाई आपने तो मेरी जगह ले ली. अब मेरी हो गई है छुट्टी. अब जलसा आपके हवाले है भाई. माशाल्लाह एक बार फिर पुरजोर तालियां. लीडर है आप, लीडर है आप, इस कौम के मामार है लीडर. Thank you.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अल्लाह के फजल से कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान कौन बचाएगा? पाकिस्तान मीनार है पाकिस्तान, वो तारीखी मकाम जब 23 मार्च 1940 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की क्यादत में जहां करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी। और आज आप यहां पे मौजूद हैं 23 मार्च 2023, आज 25 मार्च है और हम यहां सब इकट्ठे हैं इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर करने के लिए। तो मंजूर करोगे? अपने कप्तान के साथ ऐड करोगे? रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, मैं दरख्वास्त करूंगा हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक्दस में नातिया कलाम पेश करने के लिए नजम शराज से कि वो तशरीफ लाए और ये नात पढ़े। खादिम हो सर का मुझे अकेला ना समझना। नजम शराज साहब तशरीफ लाइए। चलता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इनसे कि ये कुछ हालात में सुधार लाए। और लाइक ये ना आप ये वाली वीडियोस को देखकर ये भी लगता है कि पाकिस्तान जैसे ये हो रही है पाकिस्तान के आवाम की, भाई वो दिन गए जब हम लोग आपके बारे में सुनते थे और आपकी आपके तले चाटते थे, मतलब आपके दब जाते थे, हम डोमिनेट आपको करते थे, वो दिन गए। अब जो नया पाकिस्तान है वो किसी से डरेगा नहीं और जितना हो सके जो गलत है उसके खिलाफ जरूर बोलेगा। और सीरियसली मैं लोगों का जज्बा देखकर ना बहुत ज्यादा खुश, छोटे से बच्चे को ही देख के पता चलता है कि क्या जज्बा है वहाँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट लाइक दैट ओनली अडल्ट्स आर फॉलोइंग द इमरान खान, इवन चिल्ड्रन आर ऑल्सो फॉलोइंग हिम, है ना। ऐसे वो बहुत ज्यादा मोटिवेट है बच्चे, वरना यहाँ के हमारे इधर के बच्चे नहीं घुसते हैं पॉलिटिक्स में, स्टिल बच्चे इतना घुस रहे हैं, ठीक है। और मतलब इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं यार, तो बहुत बड़ी बात है वो अपने में देखा जाए। बिल्कुल नैंटा, कहीं ना कहीं दिख रहा है लोगों के अंदर कितना आक्रोश है उनको, कितना ज्यादा बदलाव चाहते हैं वो, इसी वजह से तो इतना भीड़ है, इतना लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उनसे। और इतने लोग ऐसे कि यार इतने बुढ़ापे में नहीं आया जाता है, ठीक है, अपन रात में, और लोग स्टिल रात में आ रहे हैं सिर्फ इमरान खान की झलक देखने के लिए। और लोगों का ऐसे बोलना है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ ना फिर तो हम लोग डरना ही भूल जाएंगे, कि क्या डर होता है ना वो हमारे जहन से निकल जाएगा।
तो मैं सीरियसली मुझे पाकिस्तान के हालात को देखकर कहा कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है ये देखकर कि लाइक वो किस चीज से उन पर गुजर रही है, और साथ में अच्छा भी लग रहा है कि लाइक वहाँ के लोग कम से कम खड़ा हुआ है उनके लिए, उठ रहे हैं लोग, खुद उठ रहे हैं, खुद उठ रहे हैं, और कोई इनके लिए खड़ा हुआ है कि आवाज उठा रहा है कि हाँ मैं कुछ बदलाव लाऊंगा, कुछ चीजें मतलब देख रहे हैं हाँ कितनी महंगाई बढ़े, कितना सब कुछ बढ़ रहा है, मेरे देश के लोग कितने परेशान है, उनके लिए एक्चुअल में करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान अपने लाइफ में सब कुछ कर चुका है, पैसा है, फेम है, सब कुछ, एक फेमस पर्सनालिटी है जिसको हम लोगों ने देखा है पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में इतने साल से हम देखते आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इनके लिए यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं, फेम के लिए आए हैं, सिर्फ बदलाव के लिए आए हैं, ये बात लोगों को भी समझ समझ आ रही है, तभी तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग, सीरियसली तभी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है दिव्यांशी भी पूरी फैन बन गई इमरान खान की। तो वैसे ही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।